गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। आई एम फाइन मैम। रेडी टू जॉइन क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके वेलकम टू लाइव क्लासेस। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्या रीड किया था? लास्ट क्लास में क्या लर्न किया था, क्या सीखा था? इज एंड आर का यूज। यूज ऑफ इज एंड आर का यूज और एम। कल अपनी क्लास बीच में ही लेफ्ट हो गई थी क्योंकि पावर कट हो गया था। पावर कट होने के कारण अपनी क्लास बीच में ही कट हो गई थी। यस मैम। तो आज दोबारा से समझाऊंगा आपको इज आर एम। यस मैम। ओनली समझा देती हूँ। वैसे वर्क तो आपको व्हाट्सएप में मिल ही गया। यस मैम। मैम मुझे तो आ गया। आती है? आती है मैम, मुझे भी आ गया। किसको आती है? आशा गुज्जर। मैम मुझे आ गया। आशा गुज्जर को आती है या फिर देवांशु को आती है? यस मैम मेरे को आता है। देवांशु मैंने कल ऑनलाइन क्लास नहीं करी थी। किसको? देवांशु को आती है। यस मैम। चलो फिर मुझे भी आती है। बताओ। चलो आप बताओ, देवांशु बताएगा इसका यूज कब होगा। हम इसका यूज। यस बताओ। टेल मी। इसका यूज बताओ जल्दी से। कौन बता रहा है? मैम बताए। रीतिका बता रही है? नो मैम, मनीषा। चलो मनीषा आप बताओ। मैम इसका यूज ही शी इट या किसी के नाम के साथ होता है। ही सी इट या किसी का नाम। किसी का नेम। वन नेम होना चाहिए। वन नेमिंग वर्ड। वन नेमिंग वर्ड एंड ही सी इट एंड दिस दैट के साथ इसका यूज होता है। दिस दैट ही सी इट दिस दैट और वन नेमिंग वर्ड के साथ इसका यूज होता है। आर का यूज मेनी नेमिंग वर्ड्स एंड वी दे एंड यू और यू। ओके एंड एम। एम का यूज आई के साथ। एम इज आई के साथ होता है। एम का एम एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज आई के साथ। आई के साथ होता है। आई के साथ में ई का होता है और ई का होता है। नहीं गलत है। ई का गलत है। ऑल स्टूडेंट्स सब म्यूट हो जाओ। म्यूट करो। सुनील मुट्टे मुट कर लो जल्दी से। देवांशु मुट नहीं हो रहे आप। देवांशु महेश मुट कर लो, मेरे पास आवाज नहीं आनी चाहिए। नीचे एक चिन्ह है उसको क्लिक करो। हम कौन सी आपकी जो आप क्लास ले रहे हैं उसके नीचे एक चिन्ह आ रहा है। हाँ देवांश ने कर लिया और आशा गुज्जर आप भी करो। आशा गुज्जर ओके स्टार्ट करें। यूज ऑफ हैज हैव। हैज और हैव का यूज एंड हैड का यूज। फर्स्ट अपना है हैज। यूज ऑफ हैज। वी यूज मैम।
यस मैम बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, बोर्ड नजर नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा? मैम मनीषा सैनी को। मनीषा सैनी को? यस मैम। मनीषा सैनी का आया, मेरे को तो नहीं दिख रहे। ये सुनील भदर्शा के नाम से है क्या मनीषा सैनी? क्या मैम? यस मैम बोर्ड थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? मैम अब सही दिख रहा। यस मैम। सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके मैम ये करना क्या? क्या मैम ये करना क्या? एक बोलो सब मुट हो जाओ और बाकी जिसको प्रॉब्लम है वही बोलेगा। मैम ये करना है क्या? करना कुछ भी नहीं है, ओनली लर्न सीखना है। यस मैम। तो आपको व्हाट्सएप पे बात मिलेगा वो आपको करना है, अभी ओनली आपको सीखना है कि कैसे यूज करना है, कैसे यूज होता है। ओके लेट्स स्टार्ट। यस मैम। यूज ऑफ हैज, वी यूज हैज विद वन नेमिंग वर्ड। And he see it. One naming word and he see it. के साथ किसका यूज होता है? Has. Has का has के किसके साथ यूज होता है? One naming word and he see and it. Example के लिए देखिए राधा, राधा क्या है? वन नेम है, तो इसके साथ किसका यूज होगा? हैज। हैज। राधा हैज ए न्यू कार। ओके सेकंड है सी, सी हैज ए बॉल। ओके सी, सी क्या है? वन नेमिंग वर्ड है, तो ये किसके साथ किसका यूज होगा? हैज। हैज का यूज समझ में आ गया। नेक्स्ट अपना हैव, यूज ऑफ हैव, वी यूज हैव with many naming words. Many naming word होते हैं एक से अधिक, many naming word होते हैं एक से अधिक, प्लूरल हो यानी सिंगुलर वन नेमिंग वर्ड और प्लूरल में many naming word, many naming word, one naming words होते हैं प्लूरल and we, they, you, and I. Okay, have का use कब होगा? Many naming words. We, they. You and I, इनके साथ किसका यूज होगा? Have. Next है यूज ऑफ had. एग्जाम्पल देखिए पहले इसका। I have. I के साथ किसका यूज होगा? Have. I have a bottle. I have a bottle. Next है we. We से बनाए we have. We have
फ्लैट फ्लैट गेम्स नेक्स्ट अपना है यूज ऑफ हैड 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 एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है हैड जो अपनी थर्ड है हैड हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज वन नेमिंग वर्ड एंड मेनी नेमिंग वर्ड दोनों में होता है और पास्ट टेंस में होता है ठीक है हैड का यूज पास्ट टेंस में वन नेमिंग वर्ड एंड मेनी नेमिंग वर्ड दोनों में होता है पर वर्ड होता है पास्ट टेंस यानी जो पहले हो चुका हो जो पहले हो चुका हो उसके लिए हैड का यूज होता है ओके वी यूज हैड विद वन नेमिंग वन नेमिंग एंड मैनी नेमिंग वर्ड मैनी नेमिंग वर्ड्स and he it I you we and they इन सब के साथ किसका यूज होता है had ओके एग्जाम्पल के लिए देखिए she had four cows ओके स्टूडेंट हैज हैव और हैड तीनों का यूज समझ में आ गया अब हम चलते yes, ma'am. अब हम चलते हैं वर्ड वर यस मैम पुट ऑफ वर्ड यस मैम वर Use of was and were. Was का use कब होता है? Use of was का use past tense में ही होता है. But one naming word and he, she, it and I. के साथ वॉज का यूज होता है वी यूज मैम क्लियर नहीं दिख रहा वॉज क्या मैम क्लियर मैम नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा यस मैम किसको नहीं दिख रहा मैम ऋतु राजवनकर मनीषा को नो मैम ऋतु राजवनकर नाम समझ में नहीं आ रहा बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद ऋतुराज मैम अब दिख रहा है ऋतुराज को नहीं दिख रहा मैम अब दिख रहा है अब दिख रहा है चलो दिख रहा है तो अच्छी बात है वी यूज वाज विद इसके साथ ही होता है यूज मैंने अभी बताया वाज का यूज वन नेमिंग वर्ड वन नेमिंग वर्ड होता है एक ही नाम वन नेमिंग वर्ड होता है एक ही नाम वन नेमिंग वर्ड एंड ही सी इट एंड आई ओके एग्जांपल के लिए देखिए I was live in Jaipur. I
I was living Jaipur. Was, was. I के साथ was. Second है he. नेम लेते हैं किसी का. रवीना. रवीना डांसिंग. रवीना ब्लैंक डांसिंग ऑन द स्टेज. रवीना स्टेज पे डांस कर रही है. वन नेमिंग वर्ड है. रवीना वन नेमिंग वर्ड है तो क्या आएगा. यस मैम. वाज. ओके नेक्स्ट अपना है यूज ऑफ वर्ड. म्यूट करो. अनम्यूट होने के लिए नहीं बोलूं आपको. अनम्यूट नहीं होना है. म्यूट करो. यस किसको क्या प्रॉब्लम है. बेटा एक तो आप अपनी आईडी से सही करवाओ क्योंकि सुनील बदरशाह ये किसका नाम है. किसकी आईडी से किसकी आईडी से चला रहे हो. रवीना वर डांसिंग ऑन द स्टेज. रवीना क्या है वन नेमिंग वर्ड है इसलिए वो जा गया. नेक्स्ट अपना है यूज ऑफ वर्ड. पर वर्ड कब होगा. मेनी नेमिंग वर्ड एक से अधिक नेम हो. मेनी नेमिंग वर्ड में वर्ड का यूज होगा. बी यूज वर मैनी नेमिंग वर्ड विच मैनी. बीच में आपको बोलना नहीं है. कर लो क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब होता है अदर्स को. ये ऐसा कुछ है. म्यूट करो आप. मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. बेटा नेटवर्क की वजह से आपके पास नहीं आ रही होगी. सभी के पास हो रही नहीं आ रही. आ गई. अब आ रही. ठीक है. यूज ऑफ वर्ड. वी यूज वर्ड विद मेनी नेमिंग वर्ड. मेनी नेमिंग वर्ड्स. बोलना नहीं है. जब मैं बोलने के लिए बोलूं तभी बोलना. म्यूट कर लिया करो आप. वी दे यू we they you many naming words and we they you के साथ किसका यूज होगा. वर एग्जाम्पल के लिए देखिए. दे ब्लैंक बाथिंग. बाथिंग टेक ए बाथिंग. टेक ए बाथिंग. इन बाथरूम. दे बार क्यों. क्योंकि बार मेनी नेमिंग वर्ड्स है. जो दे है वो मेनी नेमिंग वर्ड्स है. दे वे उसमें एक से अधिक लोगों की बात हो रही है. जब एक से अधिक लोगों की बात होती है तब वर्ड का यूज होता है. और सिंगल सिंगुलर व्यक्ति की बात होती है तो वाज का यूज होता है. सिंगल पर्सन की बात होती है तो वाज का यूज होता है. और मेनी पर्सन की बात होती है तो वर्ड का यूज होता है. ओके हाँ संजीव मुंडोतिया कुछ कहना है आपको. नो मैम. के
फिर आपने अनमुट कैसे किया? हम्म, अनमुट नहीं करना। हम मैंने नहीं किया, फिर अपने आप हो गया। हम म्यूट कर रखी हूँ मैं। म्यूट कर रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आएगी म्यूट में तो। मैम मैं बोल ही नहीं रही। चलो म्यूट कर लो। ठीक है, तो यू समझ में आ गया? हैज, हैव एंड हैड एंड वाज, वर। यस मैम। यस मैम। आ गया? यस मैम। HRM का? यस मैम। ओके। यस मैम। एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ। यूज ऑफ EGRM, EGRM का यूज, इज का यूज, वन नेमिंग वर्ड एंड ही सी इट दिस एंड दैट। ओके। और यूज ऑफ आर, मेनी नेमिंग वर्ड्स, वी दे यू दीज एंड दोज। एम, एम का यूज ओनली आई के साथ, विद आई, ओनली आई के साथ एम का यूज होता है। यूज ऑफ हैज और हैव, हैज, हैज का यूज, वन नेमिंग वर्ड एंड ही सी इट, ठीक है। और हैव, हैव का यूज, मेनी नेमिंग वर्ड एंड वी दे यू एंड आई, आई के साथ भी हैव का यूज होता है। अगर इज आर एम में से बात करें तो आई के साथ एम का यूज होगा। हैज हैव में से देखें तो आई के साथ हैव का यूज होगा। थर्ड अपना है यूज ऑफ वाज, वर, वाज या फिर वर में से, तो वाज का यूज तब होगा, वन नेमिंग वर्ड एंड ही सी ही शी एंड आई। ओके। यूज ऑफ, यस मैम, वर, वर, यस मैम, मेनी नेमिंग वर्ड्स, जब एक से अधिक हो, मेनी नेमिंग होता है एक से अधिक पर्सन की बात करते हैं, और वन, वन नेमिंग वर्ड एक, ओनली वन की बात करते हैं तब वन नेमिंग वर्ड, और एक से अधिक की बात करते हैं तो मेनी नेमिंग वर्ड्स। ओके। अभी वर्ब की बात करें तो वर्ब में क्या आएगा, मेनी नेमिंग वर्ड्स एंड दे, वी, यू। ओके, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। तो आपको व्हाट्सएप पे जो वर्क सेंड करूंगी। यस मैम। लर्न। ओके मैम। और फिर मेरे को सेंड करना है, डू करने के बाद आपको मेरे को सेंड करना है। सेंड करने के बाद मैं बताऊंगी आपको कितने रॉन्ग है कितने राइट है, जो रॉन्ग होंगे उनका राइट आंसर बताऊंगी। ओके मैम। ओके। ओके मैम। ओके मैम। सबके समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। देवांशु आपके आ रहा है? यस मैम। यस मैम। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप, तभी समझ में आ रहा है। ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय। कल फिर। बाय मैम। नेक्स्ट क्लास। बाय मैम। बाय। बाय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। बाय बाय। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।